चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 का डंका फिर से बजने लगा है। तो वहीं इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ के लिए दिल में इज्जत फिर से एक बार और बढ़ चुकी है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें कि हमारे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम फिर से बजने लगा है। पूरे विश्व में फिर से एक बार चंद्रयान 3 की चर्चा की जाने लगी है। तो वहीं चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को आने वाले कई अवार्डों में नॉमिनेट भी किया जाने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत का बाहुबली कहा जाने वाला चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तब से लेकर के जब तक वह स्लीप मोड में नहीं गया था, तब तक दुनिया भर के लोगों को ऐसे तमाम खोजों से चौंकाता रहा है जिसकी जानकारी दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक या स्पेस एजेंसी के पास नहीं थी। चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा की सतहों के न सिर्फ उन अनसुलझे किस्सों को सुलझाया है, बल्कि तमाम प्रकार के अलग और सबसे अनोखे रहस्यों से भी पर्दा उठाया है। आज और अभी जो चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने किया है, उसको सुनने के बाद तो यकीन मानिए आप लोगों के दिल में फिर से चंद्रयान 3 को लेकर के और इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को लेकर के इज्जत बढ़ जाएगी। खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने अभी अभी कुछ ऐसे फुटेज, कुछ ऐसे मैसेज पृथ्वी पर भेजे हैं, जिसको देखने के बाद हमारे चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी भावुक हो गए। आज मैं आपको इस वीडियो में वो फुटेज दिखाऊंगा, जिस फुटेज को देखने के बाद यकीन मानिए आप भी भावुक हो उठेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्या चंद्रयान 3 अब स्लीप मोड से बाहर आ गया है? क्या चंद्रयान 3 अब जग चुका है? और यदि वो जग चुका है तो ऐसे कौन से कारनामे कर लिया है, कौन से फुटेज भेज दिया है, जिसको देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक फिर से इसरो की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो घबराइए नहीं, जानेंगे हम इस सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में, एक एक करके आसान शब्दों में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 23 अगस्त का वह शुभ दिन था जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के ऊपर अपना पहला कदम रखा। इस कदम के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो वहीं चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला वर्ल्ड का फोर्थ कंट्री बन चुका है। इन सभी चीज़ों के बाद जब चंद्रयान 3 से तमाम प्रकार के खोज किए गए, तब तो हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसे ऐसे खोज किए हैं जिससे दुनिया में फिर से भारत को नंबर 1 बनाने में काफ़ी मदद मिली। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करना, जो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया था। चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज करना, इससे भी दुनिया के किसी भी देश ने आज तक नहीं किया था। चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोजन की खोज में लगना, यह भी आज तक दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया था। इन तमाम प्रकार के खोजों के कारण चंद्रयान 3 ने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊँचा किया है। आज पूरी दुनिया में भारत को एक अलग नज़रिए से और एक फ्यूचर कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि जब हमारा चंद्रयान 3 अपने स्लीप मोड में गया, तब पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि इसरो झूठ बोल रहा है, शायद ये स्लीप मोड में गया ही ना हो, या फिर स्लीप मोड में यदि गया है तो ये कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। ये सोच दुनिया के कुछ देशों की थी, लेकिन उन्होंने इस सोच को रिवील नहीं किया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हमारा चंद्रयान 3 स्लीप मोड में चला गया था, तो क्या वो स्लीप मोड से बाहर आ गया है? बता दें दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने हमारे चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में भेजते वक्त ही ये ऐलान किया था कि आने वाले 22 तारीख मतलब कि आज हमारा चंद्रयान 3 स्लीप मोड से बाहर आ जाएगा।
खबर के मुताबिक यह पता चला है कि हमारा चंद्रयान 3 न सिर्फ स्लीप मोड से कुछ परसेंट बाहर भी आ चुका है, बल्कि वह अपना काम भी करना शुरू कर दिया है। और उन्हीं सब चीज़ों के बीच एक फुटेज इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद यकीन मानिए आप लोगों के भी दिल में इसरो के लिए इज्जत 4 गुना और बढ़ जाएगी। तो देर किस बात की है, बगैर देर किए चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को वो फुटेज, जिस फुटेज को देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसरो के वैज्ञानिक वास्तव में कितने मेहनत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो फुटेज है यह कहीं और से नहीं बल्कि चांद से आया हुआ फुटेज है। इसमें साफ साफ चंद्रमा के हिस्से के उन तमाम चीज़ें दिख रही हैं जो वहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ हमारा प्यारा भारत इस सुंदर सी पृथ्वी के अंदर दिख रहा है। दोस्तों ये फोटो आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए आम सी फोटो होगी, जिसमें दिख रहा है कि हाँ चांद की सतह है और सामने पृथ्वी है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह फोटो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको चंद्रमा की सतह कुछ अलग तरीके से दिखेगी। चंद्रमा के वायुमंडल में आपको कुछ अलग तरीके के कलर्स दिखेंगे, जबकि चंद्रमा का वायुमंडल पूरी तरीके से ब्लैक है। ब्लैक होने का कारण यह है कि चंद्रमा पर कहीं भी एयर मौजूद नहीं है, और एयर ना होने के कारण चंद्रमा पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन अब इस फुटेज में जो हमें दिखाई दे रहा वो ये है कि चंद्रमा पर से जब हम आसमान में देख रहे हैं जहां हमारी पृथ्वी है, वहां पर कुछ अलग तरीके का एक बहुत ही लाइट मतलब बहुत ही हल्का कलर दिख रहा है। यह कलर इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी भी ग्रह से आपको आसमान किसी भी कलर में दिखाई देता है तो यह मान लीजिए कि आसमान में हवा मौजूद है। अगर हवा मौजूद नहीं है तो आपको पूरा का पूरा आसमान ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन अगर वहाँ पर जरा सा भी हवा मौजूद है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो हाइड्रोजन के फॉर्म में हो, ऑक्सीजन के फॉर्म में हो, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो, या किसी हानिकारक गैस के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन उससे कलर में चेंजेस आ जाता है। और उस फुटेज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द, शायद 2 या 3 दिन के अंदर हमारे चंद्रयान 3 के रोवर के द्वारा हवा की भी खोज कर ली जाए। दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यदि चंद्रमा के सतह पर या उसके वायुमंडल पर हवा की खोज हमारा चंद्रयान 3 करने में सफल रहता है तो यह करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बनेगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 ने तो ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अभी हवा नहीं मिली है। दरअसल चंद्रयान 3 ने जो ऑक्सीजन की खोज की थी वह चंद्रमा की मिट्टी के अंदर की थी, लेकिन चंद्रमा की सतह के ऊपर वायुमंडल में हवा या ऑक्सीजन का मिलना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो चंद्रयान 3 के इस कामयाबी से आप कितने खुश हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।